काजल अपने माँ और पिताजी के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। काजल की माँ घर में खाना बनाकर डिब्बे में पैक करके काजल के पिताजी केशव को दिया करती थी और केशव खाने के डिब्बे फैक्ट्री में पहुंचाने का काम करते थे। इसी से उनके घर का खर्च चलता था। काजल बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। काजल के पिताजी केशव को काजल की शादी की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन केशव अपनी पत्नी से बोलता है, अरे भाग्यवान, काजल अब बड़ी हो गई है, क्यों ना अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दें। अजीब बात, तो आप बिल्कुल सही कहते हो। वैसे भी आजकल का माहौल बहुत खराब है, इसलिए जवान लड़की का टाइम से ब्याह कर देना ही ठीक है। तभी वहाँ काजल आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, अरे वाह माँ, आज तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बेटा, मैंने अभी अभी डिब्बे में खाना पैक किया है, इसीलिए खाने की खुशबू आ रही है। तेरे पिताजी बस खाने के डिब्बे फैक्ट्री में पहुंचाने के लिए जाने ही वाले हैं। पिताजी, रास्ते से मेरे लिए खाने की कोई बढ़िया सी चीज लेकर आना। गेम्स खेलते खेलते थक जाओगे, लेकिन विंडो पर गेम्स खत्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ है क्रिकेट, लूडो, फ्री सेल, स्नेक रश जैसे 70 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स। जैसी स्किल वैसे गेम्स, तो खेलो और जीतो लाखों के कैश रिवॉर्ड्स और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। सिर्फ गेमिंग नहीं, शॉपिंग भी करो। विंडो स्टोर पर मिलते हैं एसफॉल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसी सबसे सस्ते दाम पर, और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसे कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन भी। इतना ही नहीं, रोज विंडो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवार्ड्स रोजाना। 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रेक बनाकर जीतो बाइक एंड स्मार्टफोन। अब विंडो पर इतना कुछ है और कितना बताऊं। विंडो डाउनलोड करो और खुद एक्सपीरियंस करो। थैंक यू फ्रेंड्स। कराना केशव हंसते हुए काजल से बोलता है, हे भगवान, काजल बिटिया, तुम इतनी बड़ी हो गई हो पर तुम्हारा बचपना नहीं गया। ठीक है, मैं आते वक्त रास्ते से कुछ खाने के लिए ले आऊंगा। ऐसा बोलकर काजल के पिताजी खाने के डिब्बे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वे फैक्ट्री में खाने के डिब्बे पहुँचाकर घर आ रहे होते हैं कि रास्ते में अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। कुछ लोग केशव को उसके घर छोड़ाते हैं। काजल जल्दी से डॉक्टर को बुला लेती है और डॉक्टर केशव का इलाज करता है। उसे एक महीने का आराम करने के लिए बोल देता है। केशव बहुत दुखी होकर बोलता है, हे भगवान, अब क्या होगा, अब कैसे खाना फैक्ट्री के लोगों तक पहुंचेगा? हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया। तभी काजल अपने पिताजी से बोलती है, अरे पिताजी, आप चिंता क्यों करते हो, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं फैक्ट्री में खाने के डिब्बे ले जाया करूंगी, और वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है, तब तक आप आराम करो, आपकी बेटी सब संभाल लेगी, आप बस अपना ध्यान रखो। अगले ही दिन काजल की माँ खाना बनाकर डिब्बे में पैक कर देती है और काजल खाने के डिब्बों को फैक्ट्री ले जाती है और फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर आवाज लगाने लगती है, ओ भाई साहब, खाने के डिब्बे ले जाइए। फैक्ट्री से रमेश नाम का एक लड़का बाहर आता है और वो काजल को देखकर बोलता है, अरे तुम कौन हो, और खाने के डिब्बे तो केशव काका लेकर आते हैं। केशव काका मेरे पिताजी हैं और वो कुछ दिनों तक खाने के डिब्बे लेकर नहीं आ पाएंगे, इसलिए अब से मैं ही खाने के डिब्बे लेकर आया करूंगी। अच्छा, तो तुम केशव काका की बेटी हो, नाम क्या है तुम्हारा? जी, मेरा नाम काजल है। काजल रमेश को खाने के डिब्बे पकड़ाती है कि तभी रमेश काजल का हाथ पकड़ लेता है। काजल रमेश से गुस्से में बोलती है, अरे ये क्या बदतमीजी है। ओहो काजल जी, वो तो डिब्बे के साथ गलती से तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, और फिर गलती हो भी क्यों ना, तुम हो ही इतनी सुंदर। काजल जल्दी से डिब्बे पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन काजल फिर से खाने के डिब्बे लेकर फैक्ट्री जाती है। पहले से रमेश फैक्ट्री के बाहर अपने एक दोस्त अमन के साथ वहाँ खड़ा होता है। जैसे ही काजल डिब्बे लेकर आती है, रमेश काजल से बोलता है, क्या बात है, आज तो काजल बहुत ही सुंदर लग रही हो, मेरे साथ घूमने चलोगी, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, और ये पकड़ो अपने खाने के डिब्बे और मुझे जाने दो। तभी रमेश का दोस्त अमन काजल का हाथ पकड़ लेता है और काजल को छेड़ने लगता है। अरे काजल, इतनी भी क्या जल्दी है घर जाने की, जरा हमसे तो मीठी मीठी बातें कर लो फिर चली जाना। देखो मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। अरे यार जाने दे इसे, आखिर कब तक हमसे बचेगी। और हाँ काजल, आज रात को 2 खाने के डिब्बे लेकर आना। फिर काजल वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपनी माँ के पास बैठ जाती है। काजल की माँ काजल से बोलती है, काजल,
क्या बात है, कुछ परेशान लग रही है? काजल सोचने लगती है, अगर मैंने बताया कि फैक्ट्री के कुछ लोग मुझे छेड़ते हैं तो माँ मुझे डिब्बे लेकर जाने नहीं देंगी, और अगर मैं डिब्बे लेकर नहीं गई तो वो लोग पिताजी का काम छुटवा देंगे। नहीं नहीं, अभी मुझे माँ को कुछ भी नहीं बताना चाहिए, वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है। अरे माँ कोई बात नहीं है, तुम भी ना बेकार ही चिंता करती हो। माँ आज रात 2 खाने के डिब्बे पैक कर देना, फैक्ट्री लेकर जाने हैं। ठीक है बेटी, कर दूंगी, पर तुम ध्यान से जाना, ठीक है? काजल रात को खाने के डिब्बे लेकर जाती है। रमेश फैक्ट्री के बाहर खड़ा काजल के आने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही काजल डिब्बे लेकर आती है, रमेश काजल के पास जाता है और काजल से बोलता है, अरे काजल रानी, मैं कब से बाहर खड़े तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे रोज तो खाना देकर चली जाती हो, पर आज तो मुझे अपने इन सुंदर हाथों से खाना खिला दो। ऐसा बोलकर रमेश काजल को वहाँ से जाने नहीं देता, पर काजल किसी तरह रमेश को धक्का देकर वहाँ से भाग निकलती है। काजल घबराई हुई वहाँ से भागते हुए जाती है कि तभी रास्ते में काजल एक ट्रक से टकरा जाती है और उसी समय काजल की मौत हो जाती है और काजल एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल बोलती है, ये सब उस रमेश की वजह से हुआ है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी फिर। चुड़ैल काजल का रूप लेकर अपने घर जाती है और बोलती है, जब तक पिताजी ठीक होकर काम पर जाने नहीं लगते तब तक मैं काजल के रूप में उनके साथ ही रहूंगी। काजल को देखकर उसके पिताजी काजल से बोलते हैं, अरे ओ काजल बिटिया, जरा मेरे पास बैठो। काजल पिताजी के पास जाकर बैठ जाती है। काजल बेटी, मेरी वजह से तुम्हें दिन में और रात में भी फैक्ट्री में डिब्बे पहुंचाने जाना पड़ता है, पर बेटी अब मैं पहले से काफी ठीक हूँ, अब कल से मैं ही डिब्बे ले जाया करूँगा। तभी काजल अपने पिताजी से बोलती है, ओहो पिताजी आप भी ना, अरे कुछ दिन और आराम कीजिए, फिर तो आपको ही काम पर जाना है। देखो ना माँ, पिताजी तो सुनते ही नहीं है, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए कि इन्हें काम पर जाना है, अब आप ही समझाओ इन्हें, मैं तो चली सोने। ऐसा बोलकर काजल अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन काजल फिर खाने के डिब्बे फैक्ट्री पहुंचाने के लिए जाती है। रमेश पहले से ही फैक्ट्री के बाहर खड़ा काजल का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही काजल को देखता है वो काजल से बोलता है, ओह आ गई काजल मैडम, कल रात तो मुझे चकमा देकर भाग गई थी, पर आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, देखता हूँ कैसे भागती है। ऐसा बोलकर रमेश काजल से खाने के डिब्बे लेकर रख देता है और काजल का हाथ जोर से पकड़ लेता है। काजल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। काजल को चुड़ैल के रूप में देखकर रमेश बहुत डर जाता है। तभी चुड़ैल रमेश से बोलती है, तूने मुझे अकेला देखकर बहुत परेशान किया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरी वजह से आज मेरी ये हालत है, अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ। रमेश डरते हुए चुड़ैल से बोलता है, अरे तुम तो काजल थी, फिर ये डरावनी चुड़ैल कैसे बन गई? कमीने, तेरी वजह से ही मैं चुड़ैल बनी हूँ, बहुत छेड़ता था ना रोज मुझे, आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अरे मैं तो मर गया रे, अरे अरे चुड़ैल जी मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं किसी भी लड़की को नहीं छेड़ूंगा, मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे तुझे मैं जाने दूं, अकेला देखकर मुझे छेड़ता था ना, आज मैं तुझे अकेला देखकर तेरी चटनी बनाऊंगी और तुझी को खिलाऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। मौका देखकर रमेश वहां से भाग जाता है और भागते हुए रमेश भी गाड़ी से टकरा जाता है और उसकी भी काजल की तरह ही मौत हो जाती है। ये सब देखकर चुड़ैल को बहुत खुशी मिलती है और वो बोलती है, इसके मरने से मेरे कलेजे को बहुत राहत मिली है, अभी तो इसके दोस्त अमन को भी सबक सिखाना बाकी रह गया है, तभी मेरे कलेजे को पूरी राहत मिलेगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल काजल के रूप में अपने घर वापस जाती है और रात होते ही काजल अपनी माँ से डिब्बे में खाना पैक करा लेती है और डिब्बा लेकर फैक्ट्री चली जाती है। फैक्ट्री पहुंचकर काजल आवाज लगाती है, अरे साहब खाने का डिब्बा लाई हूँ, आकर ले जाइए। अमन फैक्ट्री से बाहर आता है और बोलता है, अरे काजल तुम, पर आज रात को तो खाने का डिब्बा नहीं मंगाया, चलो अब तो आ ही गई हो तो डिब्बा दे ही दो। अमन मुस्कुराते हुए, आज तो मेरे मजे हैं, अच्छा है आज रमेश यहाँ नहीं है, अरे काजल रानी जरा मेरे पास तो आओ। ऐसा बोलकर अमन काजल को पकड़ लेता है
तभी काजल हंसते हुए अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर अमन घबराते हुए बोलता है, हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे भगवान जी, मुझे बचा लो। आज तो तुझे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकेगा। आज तो तेरी मौत पक्की है। तुझे भी मैं रमेश के पास ऊपर पहुँचा देती हूँ। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई। मेरे माँ पिताजी का एक मैं ही सहारा थी, और जब उन्हें ये पता चलेगा कि अब मैं नहीं रही तो उन दोनों पर क्या बीतेगी। काजल, मैं सच में तुम्हारा गुनहगार हूँ, इसलिए तुम जो सजा मुझे दो वो मुझे मंजूर है। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। काजल को भी मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है।